व्हाट्स अप गेमर्स, मैं हूं धर्मेंद्र संगड़े। आज सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं हाउ कैन यू इंस्टॉल टर्बो सिस्टम 5, जो कि सारी GTA की सारी गाड़ियों में आप नाइट्रो डाल सकते हो। सारी गाड़ियों के अंदर आप नाइट्रो डाल सकते हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, वॉट एवर, जो भी आज डाल सकते हो। एंड ऑल्सो मेरा पिछला वीडियो याद आ चुका था, जिसके अंदर 7 व्यूज है। पता नहीं किसी ने देखा क्यों नहीं, बट वो भी देख लीजिए बाद में, कोई बात नहीं, आप आराम से देखना, कोई बात नहीं। एंड हमारे चैनल के 62 थे कल, आज 66 सब्सक्राइबर्स हुए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच फॉर द सब्सक्राइब। सो इस मॉड को चलाने के लिए आपको चाहिए होगा एलेक्जेंडर स्क्रिप्ट हुक। ये जो आपका स्क्रिप्ट हुक होगा वो आपको चाहिए होगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये देख रहे हो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट एलेक्जेंडर स्क्रिप्ट हुक 5। तो आप इसको कैसे इंस्टॉल करते हो, स्क्रिप्ट हुक को कैसे इंस्टॉल करते हो, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। सो इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। इसके अंदर मैं आपको स्क्रिप्ट हुक कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए बस आपको यही वीडियो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड वी आर गोइंग टू डाउनलोड दिस टर्बो नाइटो वाला डाउनलोड करने वाले हैं अभी, और इसका करंट वर्जन ही हम लोग डाउनलोड करेंगे, 2.82 MB का है। बट नो वरीज, हम लोग इसे डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट से और इसको डालते हैं हमारे यहाँ पे। मैंने मॉडिंग फोल्डर बनाया है, ये मैंने अपना जहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ वो वाली फाइल दे, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू अवर जहाँ पे हमने ये फाइल डाउनलोड की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, मैं यहाँ से अपनी ये फाइल की RAR ओपन कर देता हूँ, इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। तो ये है हमारी फाइल की RAR, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अपने GTA 5 की डायरेक्टरी। तो ये रही मेरी GTA 5 की डायरेक्टरी, इसके अंदर ऑलरेडी आप देख सकते हो स्क्रिप्ट हुक्स मैंने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैंने स्क्रिप्ट हुक इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे रीडमी अगर आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। दिस ये मॉड अपना ये है, सिमिलर है, इसका यहाँ पे एक्टिवेशन कीज लिखा होगा, जैसे कि T2 एक्टिवेट एंड एक्सेलरेट, और Shift+T से आपका यू नो गेम सेटअप मेन्यू आएगा, और आप की यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको की चेंज करनी है, मैं पहले इंस्टॉलेशन करवा देता हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो दो फाइल्स है, ये टर्बो सिस्टम VINI और ASI, इन दोनों फाइल्स को आपको सिंपली GTA 5 की डायरेक्टरी के अंदर डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे INI फाइल के अंदर आप जो चाहे चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे यू नो ऐसे चेंज लिखा हुआ है। अगर आपको यू नो की का पता नहीं है तो आप यहाँ से कीज दे सकते हो अपने तरीके से, जो की यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं अभी कॉपी करके ओपन करता हूँ यहाँ पे अपना नया। ओके देयर वी गो। तो जैसे ही ये साइट लोड होगी यहाँ पे आप देख सकते हो वर्चुअल कीज है, यहाँ पे ये सारी कीज का बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इनकेस की नहीं पसंद तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ पे है शिफ्ट की फाइल है X10, ये फाइल है, ठीक है। और ये T है X64। तो यहाँ पे देख सकते हो शिफ्ट कहाँ पे, ये रहा शिफ्ट X10, और T यहाँ पे कहीं पे अगर नीचे मिल जाए मेरे को कि यहाँ पे होगा T, ये देखो X0 X54, ये सारी कीज यहाँ पे लिखी हुई है। और आप यहाँ से अगर आपको किसी को चेंज करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो। ये अगर आप गेम पैड यूज़ करो तो इसके लिए ये कीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे पावर ड्यूरेशन कितने सेकंड तक रहेगा आपका, बूस्ट कितना बूस्ट रहेगा, सेंसिटिविटी कितनी है, पावर कितना है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को तो अभी की चेंज करने की इतनी कुछ है नहीं, क्योंकि Shift+T मेरा कोई दूसरा मॉड नहीं है डला हुआ, तो इट इज़ ऑल ओके। तो हमारे यहाँ पे मॉड तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम देखते हैं कि हमारा गेम के अंदर ये मॉड चल रहा है या नहीं। एंड ऑल्सो लेटेस्ट वर्जन है मेरा गेम, सो विल जस्ट गो एंड लॉन्च द गेम, देखते हैं हमारा गेम चल रहा है या नहीं। गाइस अभी हमें GTA 5 के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो टर्बो सिस्टम 5, Shift+T2, ये सब कुछ है। एंड रिमूव द मैसेज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने मैसेज दिया। तो हम यहाँ से Shift+T को प्रेस करके आप देख सकते हो मेन्यू यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ से अपने तरीके से जो चीज यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा मेन्यू यहाँ पे देखा हो। इस मेन्यू को कंट्रोल करने के लिए आपको नम कीज की जरूरत पड़ेगी। नम 8 से हम ऊपर जा सकते हैं, नम 2 से हम नीचे जा सकते हैं, और नम 4 एंड 6 से आप यू नो ड्यूरेशन वो यहाँ पे जैसे मैं सेट कर रहा हूँ ये सब आप सेट कर सकते हो। तो आप जैसे कर सकते हो SFX, जो आप ग्राफिक्स कौन सा चाहिए आपको, NFS राइवल्स का चाहिए या हॉट पर्सीट 2 का चाहिए, वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ से आप रीसेट सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी हॉट पर्सीट 2 देखता हूँ। नम 0 से हमने मेन्यू को एग्जिट मार दिया है। अभी हम लोग जाएंगे फटाफट से एक व्हीकल स्पॉन करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हमारा मेन्यू मोड ऑफ कोर्स, और एक बढ़िया वाली हम लोग व्हीकल स्पॉन करते हैं, जिसमें एक काम करते हैं स्पोर्ट्स में से देखते हैं कि हमको कॉमेट, इस बार ना हमको मेरे को कॉमेट स्पॉन करनी है।
ओके, यहाँ पे मैंने एक कॉमेट स्पॉन कर दिया। मेरा कल वाला फ्यूल का मॉड भी यहीं पे है। अभी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैंने टी प्रेस किया, यहाँ पे मेरा GTA का टर्बो मॉड, और यहाँ पे हमारा चल चुका है सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से। और मेरा एक्टिवेट विंडोज़ वाला मेरे को बहुत ही परेशान कर रहा है, बट यहाँ पे देख सकते हो हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मॉड वर्क कर रहा है। हम यहाँ से जब मरवा के देखते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी एक काम करते हैं, अभी हम लोग NFS राइवल्स था तो इसको राइवल्स करके देखते हैं, ठीक है? एंड वी विल सी ये वर्क करता है या नहीं। तो राइवल्स कैसा दिखता है वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है? अभी हम लोग फटाफट से इस पे जंप करवाएंगे, ठीक है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आप नीचे भी ग्राफिक्स देख सकते हो, वाव। और हमारा पूरा फ्यूल या फ्यूल यहाँ पे हमने खत्म कर दिया, आउट ऑफ फ्यूल। ये देख सकते हो हमारे यहाँ पे आउट ऑफ फ्यूल हो चुका है। वो मैंने फ्यूल मॉड इंस्टॉल किया था इसलिए, और मैंने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था, जैसे मैं बोल रहा था कल मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया जिसके वजह से हमारा फ्यूल खत्म हो गया। बट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा मॉड परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यू कमेंट कमेंट करके बताइए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।